हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में रिवीजन टॉपिक जो है, हम आज उसको अपना कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम जो रिवीजन टॉपिक अपना पढ़ रहे थे, वह टॉपिक था हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में हमने किस तरीके से आइटम्स को ऐड करते हैं, किस तरीके से हमारा क्लिक इवेंट जो होता है उसमें हमारा डबल क्लिक इवेंट और क्लिक इवेंट होता है, देन किस तरीके से हम रिमूव आइटम मेथड की हेल्प से कॉम्बो बॉक्स में जो आइटम्स हमने ऐड किए थे उनको हम किस तरीके से रिमूव करते हैं वो हमने डिस्कस किया। कॉम्बो बॉक्स हमें पता होना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स जो होता है वह लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का कलेक्शन होता है, यानी कि दोनों एक साथ ही कॉम्बो बॉक्स में वर्क करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा शॉर्टिंग का कॉम्बो बॉक्स, यानी कि हम कॉम्बो बॉक्स में शॉर्टिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। टू डिस्प्ले आइटम, यानी कि शॉर्टिंग का कॉम्बो बॉक्स में हम पढ़ रहे हैं, टू डिस्प्ले आइटम्स इन सिक्वेंशियल अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिक फॉर्मेट, यानी कि जब हमें आइटम्स को सिक्वेंशियली, यानी कि सिक्वेंस में अल्फाबेटिकली ऑर्डर या न्यूमेरिक ऑर्डर में डिस्प्ले कराना होता है, टू शॉर्ट द आइटम्स फ्रॉम द कॉम्बो बॉक्स, तो हम वहाँ पर आइटम्स को शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि शॉर्टिंग कर देते हैं उनकी हम कॉम्बो बॉक्स में। वी यूज़ शॉर्टेड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पर हम जो है यूज़ करते हैं शॉर्टेड प्रॉपर्टी को, टू शॉर्ट द आइटम्स इन कॉम्बो बॉक्स, यानी कि आइटम को शॉर्टिंग करने के लिए कॉम्बो बॉक्स में। वी हैव टू सेट द शॉर्टेड प्रॉपर्टी टू ट्रू, यहाँ पर हम जो है सेट कर रहे हैं अपनी शॉर्टेड प्रॉपर्टी को ट्रू के लिए, यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं अपनी शॉर्टेड प्रॉपर्टी को ट्रू के लिए, तब जाके हमारी जो है वो शॉर्टिंग अलाउ हो जाती है हमारी कॉम्बो बॉक्स में। अब देखते हैं, देखें यहाँ पर आप कि हमने यहाँ पर आइटम्स को ऐड करा रहे हैं। पहले प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, यानी कि यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स में आइटम ऐड करा है ज़ेब्रा के नाम से, यानी कि एनिमल्स के नेम हम यहाँ पर एनिमल्स के नेम और कुछ और नेम्स जो है यहाँ पर हम ऐड करा रहे हैं। कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम टाइगर, ठीक है, यानी कि दूसरा आइटम हमने ऐड कराया। देन कॉम्बो बट डॉट ऐड आइटम हैमस्टर, ठीक, हैमस्टर नाम से एक नाम है, हमने वो एंटर कराया। देन अगर हम डेजिग्नेशन एंटर करा रहे हैं, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम एडवोकेट, ठीक, यानी कि टोटल हमने यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में फोर आइटम्स को ऐड करा दिया विद द हेल्प ऑफ ऐड आइटम मेथड। अब हमने यहाँ पर ऐड करा दिया, अब आप देखें जब हम ट्रू कर देंगे इसको तो वह क्या करेगा, इन आइटम्स को वह शॉर्टिंग के शॉर्टिंग में शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यह शॉर्टेड प्रॉपर्टी जो ट्रू करेंगे हम, वह हम कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी विंडो में जाकर ट्रू कर देंगे तो वह इन आइटम्स को शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करा देगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्लियरिंग आ कॉम्बो बॉक्स, यानी कॉम्बो बॉक्स को किस तरीके से हम क्लियर करते हैं। अब एक हो गया रिमूव, रिमूव में हम आइटम्स को डिलीट कर रहे हैं, बट यहाँ बात आ रही है क्लियर करने की कॉम्बो बॉक्स को, तो हमने जो कॉम्बो बॉक्स को फॉर्म पर इनेबल करा है, यानी कि फॉर्म पर अलाउ करा है, वह कॉम्बो बॉक्स क्लियर कर रहे हैं हम वहाँ से, यानी कि उस कॉम्बो बॉक्स को हम परमानेंटली हटा रहे हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं देखें, यू कैन क्लियर अ होल कॉम्बो बॉक्स एट वंस विद द क्लियर मेथड, आप जो है क्लियर कर सकते हैं पूरा कॉम्बो बॉक्स क्लियर मेथड की हेल्प से। अब यहाँ पर आपने देखा प्राइवेट सब फॉर्म लोड, यानी कि आपने फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। देन कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम, उसमें आपने आइटम का नेम इंसर्ट कराया ज़ीरो डबल कोट्स के अंदर। देन सेकंड आइटम आपने ऐड करा रहे हैं कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम डबल कोट्स के अंदर वन, कॉम्बो वन डॉट ऐड आइटम डबल कोट्स के अंदर वन। देन एंड सब, यानी कि सब प्रोसीजर को आपने यहाँ पर एंड कर दिया। देन वी क्लियर द कॉम्बो बॉक्स वेन द यूज़र क्लिक्स अ कमांड बटन, यानी कि जब यूज़र कमांड बटन पर क्लिक करेगा तो वह कॉम्बो बॉक्स डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कि यहाँ पर हम उस कॉम्बो बॉक्स जो हमने क्रिएट करा है और जिसके अंदर हमने आइटम्स ऐड कराए हैं उसके साथ हम एक कमांड बटन भी लेंगे। तो हमने वहाँ पर एक कमांड बटन और ले लिया। अब उस कमांड बटन के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने कमांड बटन के लिए कोडिंग कर दी कि जब हम उस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉम्बो वन डॉट क्लियर, यानी कि कॉम्बो बॉक्स जो हमें लिया है वो वहाँ से क्लियर हो जाए। देन एंड सब, यानी कि उस सब प्रोसीजर को हमने वहाँ पर एंड करा दिया, ठीक।
तो इस तरीके से जो हमने कॉम्बो वन अपने फॉर्म पर लाए थे हम ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से, वो कॉम्बो बॉक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो कॉम्बो बॉक्स का टॉपिक था वह फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो है हमारा हाउ टू क्रिएट न्यू मेन्यू, यानी किस तरीके से हम न्यू मेन्यू जो होता है उसको क्रिएट करते हैं। इन न्यू मेन्यू एडिटर यानी कि न्यू मेन्यू जो होता है उसको मेन्यू एडिटर की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंटर द फर्स्ट मेन्यू कैप्शन एंड नेम, यानी कि हम फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्ट मेन्यू जो होगा उसमें हम कैप्शन के थ्रू वहाँ पर नेम इंसर्ट करेंगे। क्लिक द नेक्स्ट बटन और प्रेस एंटर, यानी कि हम वहाँ पर एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे या फिर हम नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। देन क्लिक द राइट एरो टू इंटेंड वन लेटर, वहाँ पर हम क्या करेंगे राइट एरो की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। तो मेकिंग दिस एज द नेक्स्ट एंट्री ऑन अ मेन्यू आइटम, जो कि हमारी नेक्स्ट एंट्री का काम करेगा मेन्यू आइटम में। देन एंटर द मेन्यू आइटम कैप्शन एंड नेम, यानी कि फिर से हमने क्या करा, दोबारा से जो अपना मेन्यू आइटम था उसको हमने, जो न्यू मेन्यू आइटम ऐड कराया है हमने, उसको हमने कैप्शन और नेम के थ्रू नेम दिया। देन हमने फिर फर्दर क्या करा, वहाँ पर नेक्स्ट बटन पर या एंटर की प्रेस की, दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पर। देन रिपीट स्टेप 4 और 5, यानी कि यह स्टेप हम जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे फर्स्ट मेन्यू में ऑल आइटम्स जो हैं वह ऐड नहीं हो जाती। देन क्रैक नेक्स्ट बटन और प्रेस एंटर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे। देन क्लिक द लेफ्ट एरो टू ऑब्टेन मेकिंग दिस अ न्यू एंट्री ऑफ मेन्यू, फिर हम लेफ्ट एरो पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंट्री पर मेन्यू की जाने के लिए। एंटर द नेक्स्ट मेन्यू कैप्शन एंड नेम, फिर उसके बाद हम सेकंड आइटम जो ले रहे हैं उसके लिए हम मेन्यू में जो सेकंड आइटम ले रहे हैं उसमें हम उसके लिए कैप्शन और नेम एंटर कराएंगे। देन क्लिक द राइट एरो टू इंटेंड वन लेवल मेकिंग दिस नेक्स्ट एंट्री अ मेन्यू आइटम, फिर हम क्या करेंगे राइट एरो को क्लिक करेंगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जो नेक्स्ट आइटम ऐड करा रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम 4 और 5 रिपीट स्टेप जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे जो सेकंड आइटम में हम आइटम सेट करा रहे हैं जब तक कि वह हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते। देन रिपीट स्टेप 7 through 11 फॉर द रेस्ट ऑफ मेन्यू इन द प्रोग्राम, फिर हम 7 से लेकर 11 तक, यानी कि जब तक हम यह स्टेप्स दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारे न्यू मेन्यू में मेन्यू एडिटर के थ्रू और आइटम्स ऐड नहीं हो जाते। देन क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द मेन्यू एडिटर, फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे मेन्यू एडिटर को क्लोज करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वह हम न्यू मेन्यू एंटर कराते हैं अपने विजुअल बेसिक में। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस जो करा हमने कि शॉर्टिंग अ कॉम्बो बॉक्स, यानी कि किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स जो होता है उनके लिए हम शॉर्टिंग करते हैं। तो हमें फर्स्टली पता होना चाहिए कि कॉम्बो बॉक्स जो होता है उसमें हम कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म करा रहते हैं तो पर्टिकुलरली हमें क्या करना होता है, वहाँ पर पहले आइटम्स को ऐड कराना होता है, फिर हम उसके बाद आइटम्स को ऐड कराने के बाद यानी कि जब हमारा कॉम्बो बॉक्स कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसके बाद उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे शॉर्टिंग करने के लिए वहाँ पर हम अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिक ऑर्डर में हम क्या करेंगे वहाँ पर पहले हम कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स को एंटर कराएंगे। देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स की शॉर्टिंग प्रॉपर्टी में जाकर वहाँ पर उसको ट्रू करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोडिंग के थ्रू वहाँ पर आइटम्स ऐड कराएंगे और जब हम उस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वह प्रोग्राम हम जो भी आइटम्स एंटर कराएंगे वो हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पर हमने आइटम्स ऐड कराए हैं जेब्रा, टाइगर, हैमस्टर और एडवोकेट। तो ये क्या करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि फर्स्टली क्या जाएगा हमारा एडवोकेट, अगर हम जिसकी प्रॉपर्टी ट्रू कर दियो कोडिंग की हेल्प से हम यहाँ पर, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा हमारा शॉर्टिंग जब होगी तो एडवोकेट आ जाएगा और सेकंड पोजीशन पे हमारा हैमस्टर आ जाएगा, देन थर्ड पोजीशन पे हमारा टाइगर आ जाएगा, देन फोर्थ पोजीशन पर हमारा जेवर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में जो होगा आइटम्स वह डिस्प्ले हो जाएंगे हमारे कॉम्बो बॉक्स में। अब किस तरीके से हम कॉम्बो बॉक्स में से पूरे कॉम्बो बॉक्स को यानी कि होल कॉम्बो बॉक्स को हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं वो आप देखें कि यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया, देन उस कॉम्बो बॉक्स को हम क्लियर मेथड की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं।
तो मैं ये चीज़ आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हमें कॉम्बो बॉक्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो पहले हमें क्या करना होता है, कॉम्बो बॉक्स को कंप्लीट करना होता है। अब कॉम्बो बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स में फर्स्टली आइटम्स को ऐड कराएंगे, यानी कि फर्स्टली हम उस वहाँ पर हमने आइटम्स को ऐड करा दिया। देन उसके बाद जब हमने ऐड करा दिया आइटम्स को, यानी कि 0 और 1 हमने दो आइटम वहाँ पर ऐड करा दिए, उसको ऐड कराने के बाद यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स में कॉम्बो वन डॉट क्लियर, तो कॉम्बो वन डॉट क्लियर की हेल्प से क्या होगा, क्लियर मेथड की हेल्प से जो हमने कॉम्बो वन ये बनाया था अपना, कॉम्बो वन जो हमने ये बनाया था, ये हमारा होल डिलीट हो जाएगा स्क्रीन से विद द हेल्प ऑफ कमांड बटन। यानी कि ये कॉम्बो बॉक्स जब हम फॉर्म पर अवेलेबल करेंगे तो हम यहाँ पर इसके साथ कमांड बटन लेंगे, और जब हम कमांड बटन को क्लिक करेंगे तो ये होल कॉम्बो बॉक्स हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो आज हमने पढ़ा, रिवाइज करा, वो हमने हाउ टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू, यानी कि हम किस तरीके से न्यू मेन्यू को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली हमें कैप्शन और नेम के थ्रू वहाँ पर मेन्यू एडिटर में जाके हमें कैप्शन और नेम के थ्रू अपना मेन्यू का जो मेन होता है हमारा हेडिंग, उसको हम एंटर कराते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बटन या एंटर की पर प्रेस करते हैं, उसके बाद हम राइट की पर प्रेस करते हैं नेक्स्ट मेन्यू आइटम पर जाने के लिए, अगर उसमें आइटम्स इंसर्ट कराने हैं तो फिर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर हम उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन्यू आइटम्स को ऐड कराने के लिए, नेक्स्ट मेन्यू आइटम को ऐड कराने के लिए उसमें कैप्शन और नेम पर जाते हैं। ये फर्दर प्रोसेस हम रिवाइंड करते रहते हैं जब तक कि हमारे टोटल आइटम्स ऐड नहीं हो जाते हमारे मेन्यू आइटम में फर्स्ट में। उसके बाद क्या करते हैं, हम एंटर द नेक्स्ट मेन्यू आइटम, यानी कि नेक्स्ट मेन्यू आइटम के लिए हम वहाँ पर यही प्रोसेस फिर से दोहराते हैं, नेक्स्ट बटन पर जाते हैं या एंटर की प्रेस करते हैं, देन जब तक रिवाइज करते रहते हैं जब तक कि हमारे टोटल आइटम्स उसमें ऐड नहीं हो जाते। देन क्लिक नेक्स्ट बटन और प्रेस एंटर, फिर से वही चीज़ दोहराई। देन हमने उसके बाद लेफ्ट एरो पर क्लिक करा अपने नेक्स्ट मेन्यू आइटम पर जाने के लिए। नेक्स्ट मेन्यू आइटम में जाने के बाद हमने रिपीट 7 से लेकर स्टेप को रिवाइज करा हमने 7 से 11 तक लेकर, जब तक हमारे टोटल मेन्यू आइटम कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और हम मेन्यू एडिटर से बाहर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।